बिस्मिल्लाह रहमान। कुछ दिन पहले आंटी ने हमसे कहा था, जो 73 साल जिनकी उम्र है, और उन्होंने कहा था कि मैं पूरा अपना कोई सेटअप करना चाह रही हूँ, अकेली रहती हैं। ये उन्होंने पूरा तैयार किया हुआ था, वो इन्होंने एक चीज पे पूरा फिक्स्ड लिख दिया, ये उनका प्यार है। और मैं चाहता हूँ कि आप अंदर आए, मैं आपको दिखाऊँ। ये असल में एक घर है जो वहां पे ये खुद रहती हैं। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि ये एक कमरा है, शायद होगा 10x12 का, ठीक है। इस कमरे में दुकान भी है, रहती भी है। ये शायद वॉशरूम है, ये किचन है, ये किचन है, और बस ये स्पेस है, बस मैं अकेली होती हूं। अच्छा, तो सोती कहाँ पे है? ये पलंग इधर। अच्छा, सामान ऐसे सेट कर देती हूँ, तो उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह लगा देती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, चीजें कुछ कम है या सब ओके है? क्योंकि अपनी तरफ से पूरी चीजें हमने कोशिश की है। टॉफियां हैं, चॉकलेट्स हैं, और मुख्तलिफ छालियां वगैरह हैं, चिप्स है, बच्चों के खिलौने हैं, और केक वगैरह। अच्छा कैल्सी भी है भाई, मतलब जब बीपी लो हो जाए तो बंदा कैल्सी भी पिए। और साथ ही साथ टैंक्स मौजूद हैं, दूध मौजूद है, शैम्पू मौजूद है, और मसाले भी मौजूद हैं, चाय की पत्ती, सब कुछ A to Z। अच्छा यहाँ पे भी चाय की पत्ती मौजूद है। अच्छा आंटी, आपने हल्के फुल्के मतलब वो भी रखे हैं, क्या कहते हैं, सिगरेट्स? जी। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे करीब करीब शॉप नहीं है। नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर है। इधर भी दूर है, इधर भी। अच्छा अच्छा, ये है कि थोड़ी सी चीजें हैं जिसकी आज सुबह भी डिमांड हुई थी, अंडे पापे। चले इंशाल्लाह, आराम आराम से वो बेहतर होता जाएगा। इंशाल्लाह ठीक है। चिप्सें भी हो गई आपके पास। अच्छा आपने जो एक चीज कही थी ना, वो ये मौजूद है, जो कि चिप्स की मशीन है। आप इधर से आ जाए, ये चिप्स की मशीन है, केचप है, चाट मसाला है, और ये वो है फ्लेवर वगैरह। फिर ये प्लेटें हैं, कोई 50 किले, कोई 30 किले। ये आलू कटर है, आलू मैं साथ में लेके आया हूँ। अच्छा ये बर्निया जो है ना, ये मसाले की है, ठीक है, कॉर्नफ्लो है, और ये आलू के पीस जो अच्छे अच्छे काटेंगे, बोतल्स हैं, और मायूनीस वगैरह सब A to Z चीजें हैं, ठीक है। अच्छा इसमें पाइप के लिए, वो मैं आपको कैश पैसे दे देता हूँ, आप पाइप मंगवा के। ये सिंपल किचन से यहाँ पे शायद 5 मीटर, वो मैंने कहा है किसी से मेज के लिए, तो बाहर रख के ना मेज बना के यहाँ से बनाऊंगी तो वहाँ मेज पे। अच्छा आंटी, आपकी एक अमानत थी, ठीक है, जो कि मैंने देनी थी। ये मेरे अजीज दोस्त हैं, उनकी तरफ से मुझे कल रेंट भेजा गया, जो कि ये आपका 10,000 रुपये रेंट है, ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसे आप अपना सेटअप वगैरह चला सकें। मिसाल तौर इसका पाइप आ जाता है या कुछ और चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ये आपकी अमानत है, बस आप दुआ करें, आपके माँ बाप की मगफिरत करें, आमीन आमीन करें। ये आपने इतना अच्छा मेरे लिए किया है, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बेटा मैं बिल्कुल लावारिस हूँ, मेरे रिश्तेदार है, मेरा बेटा ऊपर रहता है, वहाँ सारे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन अब देख लो मैं अकेली हूँ, बुरे टाइम का कोई साथी नहीं होता। अच्छे टाइम में सब ने मुझे यूज किया एक तरह से, समझ ले कि हाँ, जब उनके ऊपर वो था तो मैंने सारा कुछ किया, उनको पाला पोसा। अल्लाह पे तवक्कल रखें, ठीक है, हमने सोचा भी नहीं था, अल्लाह ने बहुत किया, और ना उम्मीद कभी भी ना हो, ठीक है। मैं तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखी गई थी, आपके पास भी, और यकीन है मेरा अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बनाता है। अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है, बस वसीला वो बच्चे बने हैं, मैं तो सिर्फ अमानत था। आप हैं, जो भी कोई है, अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, तो जितनी मिट्टी में भी। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक शॉप बनाई है, ठीक है आंटी। ये पलंग पे आराम करती है, ये बस छोटा सा घर है। मैं अच्छा, ये फ्रिज है, इस फ्रिज में हमने कुछ चीजें रखी हैं। आंटी इसको क्या कहते हैं, बच्चों के लिए? आई स्पॉट। ओके, ये हैं, और मजीद चीजें हैं। आंटी कितने कितने की होती है ये? 10-10 रुपए की। अच्छा 10 रुपए की होती है, ठीक है। तो भाई ये छोटा सा घर है और एक छोटी सी दुकान है, और कोशिश यही है कि यार लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है। हमने कोशिश की, मदद अल्लाह ताला ने की, और जो वसीला बने आंटी आपने, उनके लिए दुआ करनी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की दुआएं लगती हैं हमें।